नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल प्रदीप लीगल हेल्प में। मैं आपका मित्र प्रदीप गौड़ एडवोकेट आज इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं, जैविक हमला कर सकता है चीन, खुफिया एजेंसियों ने किया सावधान। गलवा घाटी में दुसाहस के बाद कूटनीति और रणनीति में भारत से मात खा रहा चीन जैविक हमला बायोलॉजिकल अटैक कर सकता है। खुफिया एजेंसियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय दबाव में वह सीधे तौर पर हमला न करके अन्य भारत विरोधी देशों या आतंकियों के माध्यम से भी ऐसा करा सकता है। कोरोना वायरस को लेकर चीन की भूमिका पहले ही प्रश्नों के घेरे में है। तमाम दावों के बीच अभी तक इसकी कोई वैक्सीन विकसित नहीं हुई है। हालांकि रासायनिक और जैविक खतरों पर शोध करने वाली DRDO की ग्वालियर स्थित प्रयोगशाला के जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि जैविक हमले से भी निपटने के लिए सेना के पास पर्याप्त संसाधन हैं। भारत वर्तमान में पड़ोसी मुल्कों की भूमिका से अशांत है। कूटनीतिक और सैन्य घेराबंदी से चीन बौखलाया हुआ है। सीमा पर पाकिस्तान भी रह रहकर गोलाबारी कर रहा है। नेपाल का रवैया भी ठीक नहीं है। एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर चीन जैविक हमले जैसी कायराना हरकत कर सकता है। पिछले दिनों सेना ने आतंकियों के लिए हथियार लेकर आए एक ड्रोन को मार गिराया था। ड्रोन के जरिए भी जैविक हमला संभव है। इस तरह के हमले में शोर शराबा नहीं होता है, हमले का पता भी कुछ समय बाद चलता है और नुकसान भी अधिक होता है। ग्वालियर स्थित DRDO के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि सेना इस तरह के खतरों से निपटने के लिए तैयार है। DRDO की अलग अलग प्रयोगशालाओं ने खास उपकरण जैसे न्यूक्लियर केमिकल बायोलॉजिकल वारफेयर सूट विशेष मुखौटे आदि तैयार किए हैं, जिनका उपयोग सैनिक कर रहे हैं। समय समय पर उन्हें विशेष ट्रेनिंग भी दी जाती है। हमले के दौरान सबसे पहले यह पता लगाया जाता है कि किस प्रकार के जीवाणु ने हमला किया है। इसके बाद उसे निष्क्रिय करने पर जोर रहता है, फिर डिकंटिमिनेट किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए DRDO द्वारा खास केमिकल एजेंट मॉनिटर तैयार किए गए हैं। NSG NPG जैसे विशेष दस्ते इनका बखूबी उपयोग कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फ्रेंड्स।